नमस्कार दोस्तों, आज हम दक्षिणी अमेरिका में कृषि का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने दक्षिणी अमेरिका की वनस्पति का अध्ययन किया था, जिसमें हमने वन और घास के मैदान दोनों के बारे में अध्ययन किया था। हम अभी तक दक्षिण अमेरिका की भौतिक स्वरूप, वहाँ के अपवाह, वनस्पति, जलवायु आदि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ये सभी कारक दक्षिण अमेरिका की कृषि पर पर्याप्त रूप से प्रभाव डालते हैं। दक्षिणी अमेरिका में जो कृषि का कार्य है, वह अधिकतर यहाँ की नदी घाटियों और समुद्र तटीय मैदानी भागों में किया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में ओरोनिको नदी की घाटी, अमेजन नदी का बेसिन, पराना पराग्वे नदी का बेसिन तथा उनकी सहायक नदी घाटियाँ और अर्जेंटीना में स्थित पंपाज घास के मैदानों में विशेष रूप से कृषि का कार्य किया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में 7.6% भूमि कृषि योग्य है, क्योंकि यहाँ पर पर्वतीय और पठारी भाग अधिक होने के कारण जो कृषि योग्य भूमि है वो कम है, तथा कृषि योग्य भूमि की सीमितता होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न तथा मुद्रादायिनी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जाता है। दक्षिण अमेरिका में कृषि का कार्य, जैसा कि भी आपको मैंने बताया, नदी घाटियों और समुद्र तटीय भागों में किया जाता है। यहाँ पर अन्न उत्पादक कृषि और बागाती कृषि, दो प्रकार की कृषि प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में जो पंपाज घास के मैदान है, वहाँ पर व्यापारिक अन्नोत्पादक कृषि की जाती है, जिसकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं जब हमने कृषि के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। व्यापारिक अन्नोत्पादक कृषि बड़े बड़े विस्तृत खेतों पर, बड़े बड़े कई सैकड़ों हजारों हेक्टेयर बड़े खेतों पर बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से, विभिन्न प्रकार के यंत्रों की सहायता से की जाती है। उसका मुख्य उद्देश्य निर्यात होता है। इसी प्रकार जो दूसरी कृषि दक्षिण अमेरिका में की जाती है, वो बागाती कृषि है। यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कोको, कपास आदि की कृषि बागाती फसलों के रूप में की जाती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो ही कृषि के प्रकार हैं, व्यापारिक अन्नोत्पादक कृषि और बागाती कृषि। दक्षिण अमेरिका की जो मुख्य फसलें हैं खाद्यान्नों में, तो गेहूं और मक्का यहाँ की मुख्य फसलें हैं, तथा मुद्रादायिनी फसलों के रूप में यहाँ पर मक्का, गन्ना, कहवा, कोको तथा कपास का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ की जो खाद्यान्न फसलें हैं उनमें गेहूं तथा मक्का प्रमुख रूप से उगाई जाती है। सबसे पहले हम दक्षिणी अमेरिका में खाद्यान्न उत्पादन का अध्ययन करेंगे। खाद्यान्नों में गेहूँ यहाँ की प्रमुख फसल है। गेहूँ दक्षिण अमेरिका का प्रमुख खाद्यान्न है और दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक गेहूँ का जो उत्पादन है वो अर्जेंटीना में, यहाँ जो इसके पंपाज घास के मैदान हैं वहाँ पर पर्याप्त रूप से गेहूँ का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, उन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में गेहूँ का उत्पादन होता है। निर्यात की दृष्टि से कनाडा के बाद विश्व में दूसरा प्रमुख निर्यातक है अर्जेंटीना, जो अपने कुल उत्पादन का 40% से अधिक निर्यात कर देता है। यहाँ ये अपने उत्पादन का 40% से अधिक निर्यात कर देता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम है और जो गेहूँ है वो यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न नहीं है, तो 40% से अधिक यहाँ से निर्यात कर दिया जाता है। और निर्यात के लिए जो प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों, वो है यहाँ का जो प्रमुख निर्यात का बंदरगाह है वो है ब्यूनस आयर्स। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बंदरगाह है ब्यूनस आयर्स, यहाँ से यहाँ के 40% गेहूं का जो निर्यात है वो कर दिया जाता है। और गेहूं के उत्पादन के लिए आज आवश्यक दशाएं पाई जाती है, वो ये है कि एक तो ये शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, गेहूं में शीतोष्ण कटिबंध की फसल है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, यहाँ पर उपजाऊ जो मिट्टी है वो यहाँ पर पाई जाती है। और उन्हीं को तथा पराना तथा पराग्वे नदियों की जो नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, कोलोराडो नदी है, नीग्रो नदी है, उनकी जो सहायक नदियां हैं, उन सभी ने यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का जो विस्तार किया है। तो इसी कारण से यहाँ पर जो कृषि है, गेहूँ की कृषि यहाँ पर विशेष रूप से की जाती है। यहाँ पर जो विस्तृत व्यापारिक अन्नोत्पादक कृषि होती है, जो कि बड़े बड़े यंत्रों की सहायता से की जाती है। इस प्रकार अर्जेंटीना की जो कृषि है वो यहाँ की अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार है, गेहूँ की कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। अर्जेंटीना के अलावा ब्राजील, चिली, पेरू तथा इक्वेडोर अन्य और देश हैं, जिनमें ब्राजील है,
अर्जेंटीना तो है ही, अर्जेंटीना के अलावा ब्राजील, पेरू, पेरू के अलावा चिली, चिली के जो भूमध्य सागरीय भाग है वहाँ पर गेहूँ की कृषि की जाती है। चिली तथा इक्वेडोर आदि देशों में गेहूँ की कृषि की जाती है। तो यहाँ पर गेहूँ के जो मुख्य उत्पादक देश हैं वो निम्न हो गए हैं। पहला हो गया अर्जेंटीना, जहाँ पर पंपाज घास के मैदानों में गेहूँ की कृषि की जाती है। इसके पश्चात ब्राज़ील, चिली, पेरू तथा इक्वेडोर आदि देशों में गेहूँ की कृषि की जाती है। अर्जेंटीना के अलावा जो अन्य उत्पादक देश हैं उनका जो अधिकांश उत्पादन है वो स्थानीय बाजारों में ही खप जाता है, क्योंकि वहाँ उत्पादन कम होता है और वहाँ की जनसंख्या उसका जो है वो भक्षण या उसका जो उपयोग है वो कर लेती है। तो वहाँ इन अर्जेंटीना के अलावा जो अन्य देश हैं जैसे ब्राज़ील है, चिली है, पेरू है, इक्वेडोर है, इनसे गेहूँ का निर्यात नहीं किया जाता है। केवल गेहूँ का जो निर्यात है वो अर्जेंटीना से ही किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन भी अधिक होता है और चूंकि गेहूँ यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न नहीं है इसलिए उसके 40% से अधिक भाग का निर्यात कर दिया जाता है। जैसा कि अभी आपको बताया मैंने, कनाडा के बाद निर्यात में विश्व में दूसरा स्थान अर्जेंटीना का ही माना जाता है। तो इस प्रकार से जो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में जो गेहूँ की कृषि है वो मुख्य रूप से मोटे तौर पर 5 देशों में यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर हम अभी देख चुके हैं, पहला जो देश है वो है अर्जेंटीना, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है इक्वेडोर, चौथा है पेरू और पांचवा है चिली। इन सभी देशों में गेहूं की कृषि की जाती है और मुख्य जो उत्पादक है गेहूं का वो अर्जेंटीना है, जहां पर पंपाज घास के मैदानों में पाए जाने वाली उपजाऊ मिट्टी में गेहूं की कृषि, विस्तृत व्यापारिक अन्नोत्पादक कृषि की जाती है और उसका 40% से अधिक भाग का निर्यात कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये 5 देश दक्षिण अमेरिका में गेहूं की कृषि के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं और इसका अधिकांश भाग ब्यूनस आयर्स बंदरगाह के द्वारा निर्यात कर दिया जाता है। काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में गेहूं के निर्यात के लिए सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध जो बंदरगाह है दक्षिण अमेरिका में गेहूँ के निर्यात के लिए वो है दोस्तों ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स बंदरगाह से अर्जेंटीना के या पंपाज क्षेत्र का जितना भी गेहूँ निर्यात के लिए आता है उसका निर्यात ब्यूनस आयर्स बंदरगाह के द्वारा किया जाता है। गेहूँ के बाद जो दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है वो है मक्का। दक्षिण अमेरिका में दो ही प्रमुख खाद्यान्न है, अभी हम खाद्यान्न फसलों का अध्ययन कर रहे हैं तो दो ही खाद्यान्न यहाँ पर प्रमुख है, गेहूँ और मक्का। गेहूँ के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, दूसरा प्रमुख खाद्यान्न यहाँ पर मक्का है। विश्व में मक्का की खेती लैटिन अमेरिका के इंका और एजटेक्स लोगों के द्वारा की गई थी। जो मक्का है यह दक्षिण अमेरिका के मूल का ही है, यहाँ पर काफ़ी पहले से ये उगाई जाती थी। यूरोपियन लोगों के आने से पहले ही यहाँ की जो प्राचीन जनजातियाँ थी उनके द्वारा मक्का उगाई जाती थी। मक्का को दक्षिण अमेरिका में कॉर्न भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका मक्का की कृषि में अग्रणी है, यहाँ पर लगभग सभी देशों में मक्का की कृषि की जाती है और विश्व का लगभग 11% मक्का दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से आता है। विश्व का लगभग 11% जो मक्का है वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से आता है। एक और सबसे बड़ी बात देखने की यह है कि दक्षिण अमेरिका में जो मक्का है वो अधिकतर पशुओं को खिलाने के काम में ली जाती है। जो यहाँ पर पशुपालन उद्योग है उसमें सुअरों को खिलाने के लिए मक्का का उत्पादन किया जाता है। मक्का का अधिकांश उत्पादन है वो सुअरों को खिलाने के लिए किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, चिली तथा पेरू। ब्राज़ील यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन कौन से उत्पादक देश है मक्का के। पहला है ब्राज़ील, दूसरा है अर्जेंटीना, इसके बाद है कोलंबिया, कोलंबिया के बाद है पेरू, पेरू के बाद है चिली। इस प्रकार से ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, चिली तथा पेरू प्रमुख मक्का उत्पादक देश हैं दक्षिणी अमेरिका के। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक क्षेत्र है, सबसे बड़ा मक्का उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ के यदि हम क्षेत्र देखें मक्का उत्पादन के तो साओ पालो, मिनास गेरास, रियो ग्रांडे यहाँ के प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं। साओ पालो, मिनास गेरास और रियो ग्रांडे यहाँ के प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं
ये देखिए, ये साओ पालो में मक्का उत्पादन किया जाता है। साओ पालो के बाद दूसरा जो क्षेत्र था वो था मिनास गेरास के अलावा जो दूसरे प्रमुख क्षेत्र थे वो थे यहाँ पर रियो ग्रांडे। साओ पालो, मिनास गेरास और रियो ग्रांडे तीन प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर दक्षिणी ब्राज़ील में मक्का का उत्पादन किया जाता है। तो आप ध्यान रखें, ब्राज़ील में साओ पालो, मिनास गेरास और रियो ग्रांडे तीन क्षेत्रों में मक्का का उत्पादन किया जाता है। ब्राज़ील में उत्पादित मक्का का खाद्यान्न के रूप में अधिक उपयोग होता है। विशेष रूप से ध्यान देने बात है, ब्राज़ील का जो मक्का उगाया जाता है उसका जो अधिकांश भाग है वो खाद्यान्न के रूप में काम में लिया जाता है। और तीन प्रमुख यहाँ पर जो क्षेत्र हैं वो हैं साओ पालो, मिनास गेरास। तो ये आप नाम ध्यान रखें, क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जो लगभग सभी फसलों के उत्पादन में आपको देखने को मिलेंगे। तो ब्राज़ील में जब जब किसी भी फसल के उत्पादन के बारे में विवरण आएगा तो वहाँ पर आपको साओ पालो, मिनास गेरास और रियो ग्रांडे तीन क्षेत्रों के नाम आपको वहाँ पर देखने को अवश्य ही लगभग मिलेंगे। तो साओ पालो, मिनास गेरास और रियो ग्रांडे एक तरह से माना जा सकता है कि ये तीनों जो क्षेत्र हैं ये दक्षिण अमेरिका के प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र हैं। साओ पालो, मिनास गेरास और रियो ग्रांडे तीनों ही ब्राज़ील के पूर्वी भाग में स्थित हैं। और ब्राज़ील एक प्रमुख कृषि उत्पादक देश है जहाँ पर कृषि उत्पादन किया जाता है। तो आपको यहाँ पर इन दोनों का नाम अवश्य रूप से पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा जो मक्का का उत्पादन है वो अर्जेंटीना में भी किया जाता है। अर्जेंटीना भी यहाँ पर मक्का का प्रमुख उत्पादक है। लेकिन दोस्तों अंतर ये है कि ब्राज़ील में जो मक्का का उत्पादन होता है वह तो मनुष्य के खाने के काम आता है। साओ पालो, मिनास गेरास और रियो ग्रांडे में जो मक्का का उत्पादन किया जाता है पठारी भाग पर वो खाने के काम आता है। लेकिन दक्षिण अमेरिका में जो मक्का का उत्पादन किया जाता है वो विशेष रूप से पशुपालन में काम में लिया जाता है। पशुओं को खिलाने के काम में दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना का जो मक्का है वो पशुओं को खिलाने काम आता है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होने के कारण वहाँ का जो मक्का है वो पशुओं को खिलाने के काम में भी लिया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्जेंटीना का जो मक्का उत्पादन है वो सुअरों को और पशुओं को खिलाने के काम में लिया जाता है। अर्जेंटीना ब्राज़ील के बाद मक्का के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। पहला तो ब्राज़ील हो गया दक्षिण अमेरिका में मक्का उत्पादन में, और दूसरा हो गया ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के बाद मक्का उत्पादन में अर्जेंटीना का दूसरा स्थान है। और यहाँ पर जो मक्का उत्पादन होता है वो पंपास प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में किया जाता है। पंपास प्रदेश का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर, ये देखिए जो पंपास क्षेत्र है ये पूरा का पूरा पंपास क्षेत्र है यहाँ पर अर्जेंटीना में, और इसके उत्तरी पूर्वी भाग में यानी लगभग इस क्षेत्र में मक्का का उत्पादन किया जाता है। ये जो क्षेत्र है ये मक्का के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र मक्का के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पंपास क्षेत्र का उत्तरी पूर्वी भाग मक्का के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ का जो मक्का है वो सुअरों को खिलाने के काम में लिया जाता है, पशुपालन के काम में लिया जाता है। अर्जेंटीना के बाद जो दूसरा प्रमुख, ब्राज़ील तथा अर्जेंटीना तो प्रमुख उत्पादक हो गए, ब्राज़ील तथा अर्जेंटीना के बाद जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं वो दोस्तों कोलंबिया है, पेरू है, चिली है, वेनेजुएला है आदि प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं। यदि हम वेनेजुएला की तरफ जाएँ तो वहाँ पर लानोज और मार्केबो बेसिन में मक्का का उत्पादन होता है। ये देखिए वेनेजुएला में, जब आप यहाँ वेनेजुएला की तरफ हम ये बढ़ते हैं यहाँ पर लानोज तथा मार्केबो जो क्षेत्र है वहाँ पर मक्का का उत्पादन किया जाता है। ये देखिए वेनेजुएला में लानोज और मार्केबो क्षेत्र में मक्का का उत्पादन होता है। इसके अलावा कोलंबिया के पठारी भागों में भी तथा पराग्वे में भी मक्का का उत्पादन किया जाता है। कोलंबिया के जो पठारी भाग हैं उनमें भी मक्का का उत्पादन किया जाता है। गुयाना का जो पठार वाला की तरफ वाला हिस्सा है वहाँ पर भी मक्का का उत्पादन होता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर घास के मैदान है और पशुपालन यहाँ पर होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, तो वहाँ भी मक्का की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका में मक्का उत्पादन के लिए सबसे जो प्रथम स्थान है वो ब्राज़ील का है, दूसरा स्थान अर्जेंटीना का है। इसके अलावा अन्य जो यहाँ पर मक्का उत्पादक देश हैं वो है वेनेजुएला, कोलंबिया,
पेरू, चिली, पराग्वे आदि देशों में भी मक्का का उत्पादन का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि जो गेहूं है और मक्का है, गेहूं और मक्का यहाँ के दो प्रमुख खाद्यान्न हैं जिनका उत्पादन मुख्य रूप से अर्जेंटीना के पंपा क्षेत्र में तथा ब्राजील के पठारी और उपजाऊ क्षेत्रों में तटीय भागों में मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा पेरू, चिली, कोलंबिया, वेनेजुएला, पराग्वे आदि क्षेत्र भी गेहूं और मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी नदी घाटियाँ और समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वहाँ वहाँ पर खाद्यान्नों का उत्पादन दक्षिण अमेरिका में किया जाता है तथा ब्राजील और अर्जेंटीना प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक देश हैं। इसके अलावा पराना पराग्वे नदी का बेसिन और ओरिनोको नदी का बेसिन तथा अमेजन नदी बेसिन के क्षेत्रों में जो ब्राजील का हिस्सा आता है अमेजन नदी बेसिन का, उसमें भी खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों आज हम खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में ही अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात खाद्यान्नों के पश्चात हम यहाँ पर जो बागाती कृषि होती है उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम गन्ना, कॉफ़ी, कपास आदि का अध्ययन किया जाएगा जो वहाँ की बागाती फसलें हैं। तो यहाँ पर हमने दक्षिण अमेरिका की कृषि को दो भागों में बांट दिया था, व्यापारिक अन्नोत्पादक कृषि और दूसरा बागाती कृषि। दोस्तों आज हम इतना अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।